आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत शनिवार को अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद उनसे मिले लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती रांची रिम्स पहुंची और उनका हाल चाल जाना। आपको बता दें कि डॉक्टर ने बताया कि लालू यादव के फेफड़े में पानी भर गया है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। इसके साथ ही निमोनिया समेत 17 बीमारियों से लालू यादव जूझ रहे हैं और तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली एम्स में एयर एम्बुलेंस से उन्हें भर्ती किया गया है। लालू यादव के साथ उनका परिवार अभी दिल्ली में है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती दिल्ली में अभी मौजूद हैं। अभी झारखंड सरकार ने उन्हें एक महीने के लिए इलाज को लेकर दिल्ली जाने की इजाजत दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेहतर स्वास्थ्य की कामना हर कोई कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, राजनीतिक पार्टी के लोग हो, सभी नेता उनके समर्थक भी लालू यादव के लिए दुआ मांग रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बेहतर स्वास्थ्य की कामना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी की है। नीतीश कुमार का एक ताजा बयान आया है जिसमें वो लालू यादव को जल्द स्वस्थ होने की शुभकामना देते नजर आ रहे हैं। लालू यादव के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने क्या बोला है, आइए हम आपको सुनाते हैं। हम चाहते हैं जल्दी स्वस्थ हों। आप तो जानते हैं पहले जब अलग भी थे तो भी हम लोग कुछ खबर लेते थे, जब हम खबर ले रहे थे उनका जो देखने वाला व्यक्ति था वो मेरे ऊपर क्या क्या कह दिया था, याद है ना 17-18 में परिवार का, तब से तो हम कह दिया कि हम जानकारी नहीं लेंगे, अखबार ही से मिल जाएगा, तो अब तो अखबार ही से और न्यूज रिपोर्ट से मिल जाता है। तो हम लोगों की मैंने मेरी शुभकामना है कि यथाशीघ्र स्वस्थ हो जाए, अगर किसी तरह की कोई तकलीफ है उससे उनको फुर्सत मिले, छुटकारा मिले, ये चाहिए।